जीवन में प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व है। आपके जीवन का भी, आपके विचार का भी, आपकी सोच का भी, आपकी समझ का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप जितना भी सोचते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, एकाग्र होके सोचिए, जब तक आप किसी भी विषय के ऊपर एकाग्र नहीं होगे, आपका ध्यान एकत्रित नहीं होगा, तब तक आप किसी भी विषय के ऊपर तह तक जा करके, अंदर तक घुस करके, न आप देख सकोगे, न आप समझ सकोगे, न आप जान सकोगे, और उस तत्व को न आप पहचान सकोगे, न आपके पास उसका समाधान होगा। जब तक आप के पास इन सवालों का जवाब नहीं होगा, आप उसको, उस समझ से अनजान हो जाओगे और उस अनजान में आप गलती करोगे और आपको उसका ज्ञान नहीं होगा। कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी ज्ञान प्रकृति में किसी भी प्रकार के सिस्टम, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्याएं, कोई भी किसी भी प्रकार का जीवन लोगों का व्यर्थ नहीं होता। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से आप उसके अंदर जा कर के प्रेरणा ले सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और आपका जो शरीर है, ये हर टाइम कि आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहो, आप इसके ऊपर खोजबीन करते रहो, जांच पड़ताल करते रहो, इतना नहीं झेल पाएगा। अगर हर केमिकल का, हर दुख सुख का अगर आप अपने शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपका शरीर चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको। तो जो आपको सीखना है, जो आपको समझना है, कुछ जो हमारे पूर्वज हुए उनके अनुभव से सीखना है, कुछ जो चल रहा है आपके आसपास, समस्याएं, कारण, कार्य, कर्म, इनसे सीखना है। और लोगों का, जब आप दूसरे की समस्याओं का समाधान करोगे, आपको सीखने का मिलेगा। जब आप किसी की मदद करोगे, सीखने का मिलेगा। जब आपकी किसी की समस्या में अंदर तक घुसोगे, कुछ न कुछ आपको सीखने का मिलेगा, कुछ न कुछ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि सीखने वाला कहीं से भी सीख लेता है, कहीं से भी सार ग्रहण कर लेता है। बहुत से ऐसे संत महात्मा हुए जो देखते देखते उनको वैराग्य आ गया कि उन्होंने सीख लिया, रे ये क्या जीवन है। महात्मा बुद्ध जैसे, उन्होंने देखा, नजर दौड़ा करके, अरे स्त्री क्या है, मरा हुआ क्या है, बच्चे क्या हैं, जाना है, वैराग आ गया। तो उन्होंने अपने शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट थोड़ा ना किया, कुछ भी नहीं किया, बस देखा, पता चला, जाना, घुसे उसके अंदर, सार तत्व का पता किया, वैराग आया, छोड़ करके चले गए। तो अगर वो अंदर में घुसते, मर करके देखते, बीमार हो करके देखते, कितना देख पाते, कैसे होता, फिर स्वस्थ होता, फिर सब कुछ भूल जाते। तो आप जो सीख रहे हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखो कि आप कुछ नेगेटिव तो नहीं ले रहे अपने अंदर। पॉजिटिव को ही ग्रहण करो, और नेगेटिव है उसको सीखो, उससे जानो, उसको समझो उसको, लेकिन अंदर मत घुसने दो, बाहर ही रोक करके रखो कि बस यहीं तक सीमित कर दिया। तो जब आप चारों तरफ से सीखोगे, चारों तरफ से समझोगे, प्रकृति के अंदर घुस करके, और एक एक कार्य को देखोगे तय तक जा करके, तब आपकी समझ भी बढ़ेगी, विचार भी बढ़ेंगे, सोचन शक्ति भी बढ़ेगी, दिमाग का फैलाव भी होगा, किसी भी प्रकार की समस्या से लड़ने की ताकत भी पैदा होगी, और आप बड़ी आसानी के साथ
बहुत आसानी से, जो लोग जिनको बहुत बड़ी समस्याएं मानते हैं, बहुत बड़ी आफत मानते हैं, बहुत बड़ी परेशानी मानते हैं, उनको आप एक पल में अपनी सोच से, अपने विचार से, अपनी एनर्जी से एक पल में ही उसको सुलझा करके, उसका समाधान करके उसकी मदद भी कर सकते हो, और आपका विकास इतना मजबूत होगा कि आप कभी किसी प्रकार की समस्याओं में फंसोगे ही नहीं।